हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे हो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ एक ऐसे स्कॉलरशिप के बारे में जिसमें क्लास फर्स्ट से लेकर अंडर ग्रेजुएट कर रहे स्टूडेंट तक स्कॉलरशिप मिलने वाली है। और जो मिनिमम स्कॉलरशिप है दोस्तों वो 30,000 रुपये है, यानी जो बच्चा क्लास फर्स्ट में पढ़ रहा है उसको 30,000 रुपये तक का स्कॉलरशिप मिल सकता है। और जो बच्चे अंडर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट कर रहे हैं, उनको 70,000 तक का स्कॉलरशिप मिल सकता है दोस्तों। तो दोस्तों, क्लास फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ से लेकर अंडर ग्रेजुएट तक आप कहीं भी किसी भी क्लास में पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको एक स्कॉलरशिप मिल सकता है जिससे कि आप अपना कॉलेज, आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सको। तो दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो वीडियो को लास्ट तक देखना। मेरा नाम कैश है, आप द इंजीनियर का यूट्यूब चैनल देख रहे हो। इस चैनल पर मैं स्टूडेंट्स के लिए वीडियोज अपलोड करता हूँ स्कॉलरशिप्स के बारे में, फ्री ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में, इंटर्नशिप्स के बारे में, जॉब्स के बारे में। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि इस चैनल पे मैं स्टूडेंट्स के लिए वीडियोस अपलोड करता हूँ। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में बताना चाहता हूँ। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो जॉब ढूंढ रहे हो, या फिर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो जो आप जॉब स्विच करना चाहते हो, तो यहाँ पे रीलेवल आपकी हेल्प कर सकती है क्योंकि रीलेवल पे एक फ्री टेस्ट होता है। उस फ्री टेस्ट की मदद से दोस्तों आप अच्छी अच्छी कंपनीज में हाई पेइंग सैलरी वाली जॉब पा सकते हो। ये टेस्ट बिल्कुल फ्री होता है दोस्तों। आप बिजनेस डेवलपमेंट में, बैक एंड डेवलपमेंट में, फ्रंट एंड डेवलपमेंट में टेस्ट को दे सकते हो। सिंपल आप अपने मोबाइल नंबर को यूज करके यहाँ पे स्लॉट बुक कर सकते हो। यहाँ पे कोई भी अभी वीडियो रेज्यूमे वगैरह नहीं लगता है, तो टेस्ट में स्लॉट बुक करना बहुत ही आसान है दोस्तों। इसके साथ साथ मैं दो कंपनीज के बारे में आप लोग को बताने जा रहा हूँ जो अभी री लेवल पे विद इन 15 डेज हायरिंग करने वाली हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो जो पहली कंपनी है वो है विंगीफाई, जो एक सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। यहाँ पे आपको 8 से 14 लाख तक का CTC वाला जॉब मिल सकता है दोस्तों। और जो सेकेंड कंपनी है वो है जुपरली, जहाँ पे आपको 6 to 10 LPA वाली जॉब मिल सकती है। तो दोनों कंपनीज विद इन 15 डेज री लेवल पे हायर करने वाली है। और दोस्तों, आप लोग अगर बताऊं रियल वर्ल्ड के बारे में, तो यहां पे गारंटीड सैलरी वाली जॉब्स मिलती है। नॉन टेक रोल्स में आपको मिनिमम 4 LPA वाली जॉब्स मिलेंगी, टेक रोल्स में आपको 6 लाख, मिनिमम 6 लाख वाली जॉब मिलेंगी, जो कि मैक्सिमम 15 लाख तक हो सकता है। तो दोस्तों, रीलेवल का लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप टेस्ट बुक कर सकते हो। आप टेस्ट दो, इंटरव्यूज दो, इंटरव्यूज क्लियर हो जाते हैं तो आपको डायरेक्ट यहां पे जॉब मिल सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ स्कॉलरशिप के बारे में जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए। और ये जो स्कॉलरशिप होने वाला है दोस्तों वो है एलकेम स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स। ये क्लास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ से लेकर अंडर ग्रेजुएट तक पढ़ रहे स्टूडेंट तक का होने वाला है। और यहाँ पे देख सकते हो ये जो स्कॉलरशिप है vidyasarthi.co.in, ये जो प्लेटफॉर्म है, मैं हमेशा इस प्लेटफॉर्म के बारे में आप लोग को वीडियोस में बताता रहता हूँ। यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए हमेशा नई नई स्कॉलरशिप्स आती रहती हैं। तो दोस्तों, अब मैं आप लोग को एक एक स्कॉलरशिप के बारे में डिस्क्रिप्शन दूंगा, कैसे अप्लाई करना है, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितना स्कॉलरशिप मिलेगा, सब कुछ आप लोग को बताने वाला हूँ। तो अगर क्लास फर्स्ट के स्टूडेंट्स के बारे में बात की जाए तो उनका KG में मिनिमम 35% होना चाहिए। क्लास फर्स्ट में उनका एडमिशन हो, प्राइमरी, सेकेंडरी, कोर्स लेवल कुछ भी हो सकता है, कोई भी जेंडर का स्टूडेंट हो सकता है। और उनकी जो फैमिली इनकम है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए। यहाँ पे फॉर्म का स्टार्ट डेट दिया गया 13/9/2021 और ये जो फॉर्म है दोस्तों 29/10/21 तक वैलिड होने वाला है। स्कॉलरशिप यहाँ पे आपको 30,000 तक का मिलने वाला है। क्लास फर्स्ट के स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी कास्ट प्रेफरेंस वगैरह नहीं है, हर एक स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। डॉक्यूमेंट्स की बात करें दोस्तों तो हर स्कॉलरशिप में, जितने भी स्कॉलरशिप अभी आपको बताने वाला हूँ, हर स्कॉलरशिप में ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगने हैं। एप्लीकेंट का फोटो, फोटो ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, डेथ सर्टिफिकेट, स्टूडेंट पेरेंट, बैंक पासबुक, करेंट ईयर फी रिसीट, प्रीवियस ईयर मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे ईमेल आईडीज दी गई हैं जहाँ पे आप ईमेल करके कोई भी क्वेरीज वगैरह हैं वो पूछ सकते हो। दोस्तों, अगर हम डेथ सर्टिफिकेट की बात करें तो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जो स्टूडेंट्स जिनकी फैमिलीज में किसी का कोई हादसा हो गया हो, COVID-19 की वजह से किसी की डेथ हो गई हो, और वो पढ़ने में कोई भी उनको प्रॉब्लम हो रही है, उनके पास पैसे नहीं है, या फिर फाइनेंशियली क्राइसिस चल रहा है उनके फैमिली में, तो इस केस में यहाँ पे डेथ सर्टिफिकेट भी आपको देना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये जो स्कॉलरशिप है, सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूँ, उन स्टूडेंट्स के लिए है जो फाइनेंशियली वीकर हैं, COVID-19 की वजह से उनके घर में प्रॉब्लम्स हुई हैं, किसी की डेथ हो गई है, उनको ये सारी स्कॉलरशिप मिलने वाली है। अगर दोस्तों अगर हम क्लास फिफ्थ के स्टूडेंट्स की बात करें तो क्लास फिफ्थ के स्टूडेंट्स के लिए क्लास फोर्थ में मिनिमम 35% होना चाहिए।
और उनका जो कोर्स लेवल है प्राइमरी सेकेंडरी हो सकता है, क्लास फिफ्थ में एडमिशन हो, कोई भी जेंडर का स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, उनको यहाँ पे 40,000 तक का स्कॉलरशिप मिलने वाला है। और डॉक्यूमेंट्स की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे भी सेम डॉक्यूमेंट लगने वाला है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे। इसके साथ दोस्तों अगर हम क्लास नाइन्थ के स्टूडेंट्स की बात करें तो यहाँ पे उनका क्लास एट में 35% मिनिमम होना चाहिए, क्लास नाइन्थ में उनका एडमिशन होना चाहिए, फैमिली इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए। इसके साथ साथ जेंडर, कोई भी जेंडर का स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकता है और क्लास नाइन्थ के स्टूडेंट्स को 50,000 तक का स्कॉलरशिप मिलेगा। दोस्तों अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे भी सेम है, सेम डॉक्यूमेंट्स जैसे कि मैं क्लास फर्स्ट फिफ्थ जैसे बता रहा हूँ, सभी स्टूडेंट्स को ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। इसके साथ दोस्तों अगर हम बात करें क्लास इलेवेंथ के स्टूडेंट्स के बारे में तो उनका क्लास टेंथ में मिनिमम ऑफ 35% होना चाहिए। इसके साथ साथ कोई भी जेंडर के स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं, फैमिली इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए और दोस्तों क्लास इलेवेंथ के स्टूडेंट्स को 60,000 तक का स्कॉलरशिप मिलेगा। डॉक्यूमेंट्स भी सेम है, यहाँ पे देख सकते हो पैन नंबर, डोमिसाइल सर्टिफिकेट वगैरह आपको देना है, डेथ सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, एप्लीकेंट फोटो, ये सारा कुछ आपको अपलोड करना होगा। अगर हम लास्ट स्कॉलरशिप जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की बात करें तो यहाँ पे भी सेम क्राइटेरिया है, यहाँ पे क्लास ट्वेल्थ में मिनिमम 35%, डिप्लोमा अगर आपने कर रखा है तो मिनिमम 35%, अंडर ग्रेजुएट में आपने एडमिशन लिया हुआ है, कोई भी कोर्स है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, फैमिली इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप 70,000 तक का मिल सकता है। दोस्तों अगर यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस के बारे में बात करें तो अगर आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हो कोई भी रिकॉग्नाइज AICTE, NAAC, UGC या भी कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज में आप अंडर ग्रेजुएट कर रहे हो तो इस स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, कोई भी कास्ट के हो, कास्ट प्रेफरेंस यहाँ पे नहीं है और आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल जाएगी और यहाँ पे आपको मैक्सिमम 70,000 तक का स्कॉलरशिप मिलेगा। यहाँ पे भी दोस्तों सारे डॉक्यूमेंट्स मेंशन किए गए हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। डेडलाइंस वगैरह मैंने आपको बता दिया, हर एक स्कॉलरशिप का यहाँ पे डेडलाइन दिया गया है, स्टार्ट फॉर्म, वैलिड अप टू, ये सारा कुछ दिया गया है, यहाँ से आप देख के अप्लाई कर सकते हो। अगर आप एलिजिबल हो, COVID-19 की वजह से आपकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हुआ हो, कोई ऐसा सीन हुआ तो आप ज़रूर से इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करो, क्योंकि इससे आपको हेल्प मिलेगी, आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकोगे। और दोस्तों मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो उन लोगों के साथ जिनको इस स्कॉलरशिप की ज़रूरत है। अगर आप नहीं जानते हो किसी ऐसे स्टूडेंट को, फिर भी इस वीडियो को शेयर करो ताकि ऐसे स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुँच सके जिनकी फैमिली में फाइनेंशियल क्राइसिस है COVID-19 की वजह से, अनफॉर्चुनेटली उनकी फैमिली में कोई ऐसी सिचुएशन हो गई तो उनको इस स्कॉलरशिप से हेल्प मिल सके, वो अपनी पढ़ाई को, अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर सके। आई होप गाइज इस वीडियो को आपने पसंद किया होगा, जरूर से लाइक करना, कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी और दोस्तों आप और कैसी वीडियोस देखना पसंद करना चाहोगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।